कृतिका भाग दो पाठ दो जॉर्ज पंचम की नाक का पहला प्रश्न है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं जिसने ना जाने कितने ही कहर ढहाए, उसके अत्याचारों को याद ना करके उसके सम्मान में जुट जाते हैं और सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है, अर्थात वह अभी भी अप्रत्यक्ष गुलामी की भावना से स्वयं को मुक्त नहीं करा पा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। तो रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को भारत, पाकिस्तान और नेपाल के पहनावे, ओढ़ावे या मौसम की कोई जानकारी नहीं थी और दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेंगी। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी और अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती, कोई भूल हो जाती, उससे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता था, इसलिए बहुत परेशान था। तीसरा प्रश्न है कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा, नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। तो उत्तर है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के आने की संकेत पाते ही नई दिल्ली की कायापलट होने लगा और इसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए होंगे, जैसे पूरी दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी, इमारतों पर जमी धूल मिट्टी सफाई तथा रंग रोगन करके उन्हें सजाया संवारा गया होगा, रानी के आवागमन के रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था और सजावट की गई होगी, सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा और टूटी सड़कों की मरम्मत की गई होगी, स्थान स्थान पर फौजी टुकड़ियां तैनात की गई होंगी, जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाया गया होगा, मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गए होंगे और राजपथ के दोनों ओर फूल पौधे लगाए होंगे। इस प्रकार से अनेक प्रयत्न किए गए होंगे उनके स्वागत के लिए। अगला प्रश्न है कि आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या राय हैं, क्या विचार हैं। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है वह अनावश्यक है। इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्रहित के अनुकूल नहीं है क्योंकि यह सस्ती पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका सशक्त होना आवश्यक है, इसे प्रबल होना चाहिए, कमजोर नहीं। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी ये प्रश्न पीछे दोहराया जा रहा हो चुका है ये प्रश्न। अच्छा नहीं, अगला प्रश्न है 4.2। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता पाठकों को दिग्भ्रमित करती है, वो अपनी दिशा से भ्रमित होते हैं, अपने लक्ष्य से भ्रमित होते हैं और विशेषकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने की ही शिक्षा दे रही है और युवा पीढ़ी उसे फैशन के रूप में अपनाकर अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट और में समय और धन खर्च करने लगती है। वो अपने लक्ष्य को भूल और व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करते हैं और राष्ट्र को सही दिशा देने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, ना कि लोगों को पथ भ्रष्ट करने के लिए हो। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। तो मूर्तिकार के द्वारा
किए गए या निम्नलिखित हैं। सबसे पहले वो क्या करता है कि मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता ना चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थर की खानों का तूफानी दौरा किया। फिर दूसरी बार वो दूसरे देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया ताकि उस मूर्ति से नाक निकाल कर पंचम की लाट पर नाक लगाई जा सके, परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जांच पंचम की नाक से बड़ी निकली और शहीद हुए बहादुर बच्चों की नाकें भी नापी गईं लेकिन वह भी बड़ी निकली। और आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार की सलाह पर चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया कुछ कामों ने। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी, सब कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए से अनेक अन्य कथन छाट कर लिखे। तो मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कुछ कथन निम्नलिखित है कि संघ इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, रानी आए और नाक ना हो तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। एक खास कमेटी बनाई गई, उसके जिम्मे यह काम दिया गया 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। तो ये सारी जो कथन है जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहला प्रश्न, 7वां प्रश्न है कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, ये बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है लिखिए। तो नाक इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है, शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित हैं जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है और यह बात लेखक ने व्यंग के माध्यम से विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी और ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। सरकारी तंत्र विदेशियों की नाक को ऊंचा करने के कार्य को अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं, यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान व्यक्त करने के लिए वे भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान को भी ताक पर रख देते हैं। और इस पाठ में सरकारी तंत्र की गुलाम मानसिकता तथा बेईमानी की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था जिसने भारतीय जनता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बहुत जुल्म ढाए थे, उसकी लाट की नाक गायब हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी की नाक उस पर फिट ना बैठ सकी। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम एवं श्रद्धा गर्व से प्रकट की है। देशभक्त भारतीयों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान हो या फिर बच्चा ही क्यों ना हो। उनकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए जॉर्ज पंचम की नाक से हमारे भारतीय देशभक्तों की नाक सहस्त्रों गुना ऊंची है। अखबारों ने, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, और अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तो अखबारों ने अखबारों में यह खबर छापी गई कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई है, इस खबर को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया। नई दिल्ली में सप्ताह सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इस कथन के माध्यम से लेखक अतिथो देवो भव की भावना के कारण ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को तो प्रदर्शित करता है लेकिन उस बीमार भ्रष्ट सरकार पर व्यंग कसता है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है। वह एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक काट कर जॉर्ज पंचम की लाट में लगा देने की अपमानजनक बात सोचती और करती है।
पूर्ण रूप से गलत है। यदि सच में दिल्ली के पास नाक होती तो इतना बखेड़ा खड़ा ना करके सीधे जॉर्ज पंचम के लाड को ही हटवा दिया जाता। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? अखबार उस दिन चुप थे ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती? दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुकाम आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं, प्रायः अखबारों में सरकारी दबाव भी रहता है। यहीं पे समाप्त होता है पाठ के सारे प्रश्न उत्तर, यहीं पे समाप्त होते हैं। ये लास्ट प्रश्न था और इसको अपनी कॉपी पे आप लोग करेंगे, नोट्स बनाएंगे और चेक करने के लिए सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।